ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनवान, आप देख रहे हैं टेकोस। तो यार फाइनली सैमसंग का एक और ऑसम फ़ोन आ चुका है जो कि है सैमसंग गलेक्सी A31। अब इस स्मार्टफोन के बारे में यार लिटरली आप लोगों ने इतना ज़्यादा पूछा है, कुछ एक दो ऐसे लोग भी थे कि उनका बस चलता तो मुझे आके पकड़ के कहते बताओ आ रहा है सैमसंग गलेक्सी A31 के नहीं आ रहा। यानी कि लोग गुस्से में थे कि सैमसंग गलेक्सी A31 पाकिस्तान के अंदर कब आएगा। मैं बता क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे उनको ये लगता है कि शायद मैं सैमसंग के अंदर कहीं पर काम करता हूँ, एग्जीक्यूटिव वगैरह में कहीं पर भी। तो फाइनली सैमसंग ने इसको लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। साथ में आप लोगों को मिलेगा फ्री पावर बैंक 10,000 mAh का, जो कि बेसिकली ये वाला पावर बैंक है जो कि मुझे सैमसंग गलेक्सी A51 के अंदर मिला था। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का पावर बैंक है। अब आप लोगों ने मे भी उम्मीद है कि सैमसंग गलेक्सी A31 की जो प्राइस है सैमसंग ने जो रखी है पाकिस्तान के अंदर उसको देख लिया हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा इन जनरल डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी कि जो सैमसंग के फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर सैमसंग उनकी जो प्राइजेज़ है वो इतनी ज़्यादा क्यों रखता है, या फिर जो सैमसंग की प्राइजेज हैं वो हमेशा से उतनी ही चलती आ रही हैं लेकिन अब जाकर हमें ऐसा फील होता है कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन की प्राइजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही होती है। तो आज हम लोग सैमसंग गलेक्सी A31 की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस को भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसको प्री बुक वो करवा दिया और हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसका फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे पहले आप लोगों को यहां पर मैं सैमसंग गलेक्सी A31 की प्राइस के बारे में बता देता हूं। सैमसंग ने इसको पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया 42,000 के प्राइस टैग के अंदर। अब आपके माइंड के अंदर फौरी ये बात आई होगी यार इसकी तो प्राइस ज्यादा है और एक्चुअल में ज़्यादा अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर यह सीन ये होता है कि उनको हम लोग डायरेक्टली हमारी जितनी भी चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर वो कर ही नहीं सकते। सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर हमें जो एक फील मिल रही होती है, उनकी जो बिल्ड होती है, उनके अंदर जो सैमसंग मटेरियल यूज़ करता है, जो हमें क्वालिटी मिलती है, जो एक फील होती है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज़ के फ़ोन्स के ऊपर देखते हैं। ये इसी तरह है कि जैसे आप लोग जो आईफोन्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती हैं उनको किसी भी एंड्रॉयड के फ़ोन के साथ कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि एक 30,000 से 35,000 वाला जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशंस मिल रही होती हैं ऑन पेपर वो एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट आईफोन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला जो फ़ोन है 30-35,000 वाला वो एज़ कम्पेयर टू आईफोन वो ज़्यादा अच्छा है। सैमसंग के अंदर हमें जो क्वालिटी के रिलेटेड एक फैक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा होता है। इसी रीज़न की वजह से सैमसंग जो अपनी क्वालिटी को मेनटेन करता है वो हमें जो प्राइस देता है एज़ कम्पेयर टू हमें दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज वो ज़्यादा लग रही होती है और अब जाकर हमें वो ज़्यादा फील होती है कि सैमसंग अपनी प्राइजेस को थोड़ा सा ओवर करता है। उसकी रीज़न ये थी कि पहले मार्केट के अंदर हमें इतने कोई ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं थे, जो कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर वो इतनी कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, वो जो हमें डील्स प्रोवाइड कर रही थी वो इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सैमसंग आप लोग कह लें कि एक वाहिद प्लेयर था, उसके बाद हुआवे आया, उसके बाद दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज आ गई। जो सैमसंग की प्राइस है वो तकरीबन उतनी ही है अगर हम लोग रेशो को देखते हैं जितनी सैमसंग हमें पहले दे रहा था, लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हमें एक ही सेम प्राइस टैग के अंदर और भी कंपनीज के स्मार्टफोन्स नजर आ रहे होते हैं जिनको हम लोग कंपेयर करते हैं फिर सैमसंग के स्मार्टफोन्स के साथ। तो हमें लगता है कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हमें मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा मिल रही हैं। अब ये चीज हमें ज्यादा फील हो रही होती है, सैमसंग तो सिर्फ उसी लाइन के ऊपर चलता आ रहा है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि सैमसंग को भी अब इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो मार्केट की कंडीशंस हैं वो वैसी नहीं रही जैसे कि हमें 3-4 साल पहले देखने को मिलती थी। सैमसंग को भी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग की और जो प्राइस टैग्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मार्केट के अकॉर्डिंगली सैमसंग को अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। ये चीज़ में तो मैं टोटली तौर पर मानता हूँ कि इस फोन की जो प्राइस है वो ओवर प्राइज्ड है अगर हम लोग मार्केट को देखते हैं। अब लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसके अंदर आप लोगों को मिलता है 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिटी यू नॉच के साथ। यहाँ पर जो पंच होल है उसका किसी किस्म का कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज को देखते हैं तो आजकल हमें 20,000 के प्राइस टैग के अंदर पंच होल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को पंच होल नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली टेक्नो स्पार्क 5 प्रो है जो कि 20,000 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है। इसके अंदर हमें पंच होल मिल रहा है लेकिन यहाँ पर पंच होल का किसी किस्म का कोई सीन नहीं है, वही पुरानी इन्फिनिटी यू नॉच है। लेकिन इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। कैमराज की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को टोटल 4 कैमराज मिल रहे हैं, जिसमें से मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का ही हमें मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो सैमसंग के कैमरास होते हैं इनके अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें जो क्वालिटी मिल
मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज को, वो ज़्यादा अच्छी मिल रही होती है। फ्रंट के ऊपर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, 4GB की रैम है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो बेसिकली 2GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन उसके बारे में अभी तक मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि सैमसंग ने कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया। जब हमारे पास फ़ोन आएगा तब हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हमें 5000mAh की बैटरी मिल रही है, साथ में हमें फास्ट चार्ज मिल रही है। अब जब कंपनी कोई इस किस्म की मिक्स स्टेटमेंट देती है ना कि ये फीचर मिल रहा है, उसको मेंशन नहीं करती कि कौन सा फीचर मिल रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि फास्ट चार्जिंग मिल रही है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने वाट की मिल रही है, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि ये 10 वाट की या फिर मैक्सिमम 18 वाट की हमें फास्ट चार्जिंग मिल रही होगी इसके अंदर। उसके अलावा एक सबसे कमाल की चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आप लोगों को ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक कूल चीज़ है। तो मेनली तौर पर हमें इसके अंदर यही स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। 42,000 इसकी प्राइस है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको प्री बुक करवा लें, क्योंकि आप लोगों को साथ में एक पावर बैंक भी मिल जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जो सैमसंग का फ़ैन है भाई, वो सैमसंग का ही फ़ैन है, और इस चीज़ को मैं टोटली तौर पर अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने सैमसंग के फ़ोन्स को भी यूज़ किया, और जो दूसरे हमें उसी प्राइस टैग के अंदर मिड रेंज के अंदर फ़ोन्स मिल रहे होते हैं दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के, उनको भी मैंने यूज़ किया। जो हमें एक प्रीमियम से फील आती है वो सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर ज़्यादा आती है। जो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है सैमसंग के फ़ोन्स का, वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्मार्टफोन कंपनी। अब जब ये स्मार्टफोन हमारे पास आएगा, हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, इसका गेमिंग रिव्यू भी करेंगे, और फुल डिटेल के अंदर चीज़ों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं अपने जो थॉट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि मैंने जो बातें की हैं आप लोग उनसे एग्री करते हो या फिर नहीं करते, या फिर सैमसंग को अपनी प्राइजेस को कम कर देना चाहिए। सैमसंग की जो एक वर्थ है, सैमसंग का जो एक पूरा लेजेंडरी आप लोग कह रहे हैं कि सीन चलता रहा है, वो अब थोड़ा सा ख़त्म हो चुका हुआ। सैमसंग को भी अब मार्केट के अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लेने चाहिए। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा यार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल सके।